अंग्रेज के ज़माने का है ये कुआं, नहीं दिखाएंगे नहीं तो मोबाइल से पहले गिर जाएगा, दिखता जाएगा आपको। इधर ये दरी बिछा हुआ है हमारे चलने के लिए, और ये इस पर चलते हैं, देख पा रहे हैं करते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मोहब्बतपुर। ये भैंस देखे गुस्सा है पूरा, ये मार भी सकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज की ब्लॉग स्टार्ट होने वाला है कुछ इस टाइप से, देख पा रहे होंगे आप पूरा केले के बगान से ब्लॉग स्टार्ट होने वाला है। तो ब्लॉग में कंटिन्यू आप लोग बने रहें, आपको पूरा एक्सप्लोर करेंगे केले का बगान। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मोहब्बतपुर। ये भैंस देखे गुस्सा है पूरा, ये मार भी सकती है, इसलिए थोड़ा बच के चलना पड़ेगा इससे। इधर देख पा रहे होंगे नर्सरी का खेत वगैरह लगा हुआ है, ये सब जामुन का पेड़, जामुन नहीं लीची। और देख पा रहे हैं इधर नर्सरी के लिए स्टार्ट है, ये जो घेरा हुआ है जो ब्लैक प्लास्टिक नज़र आ रहा है छोटा, ये सब प्लास्टिक है, इसमें नर्सरी लगेगा और ये सब सेल आउट नहीं मिल जाएगा। तो फाइनली हम लोग जंगल के अंदर जा रहे हैं। जंगल क्या है, जंगल केला का बगान ही है। केला के बगान देखे ही अपना रास्ता जाएगा, तो रास्ता तो ये भी जा रहा था, हम लोग शॉर्ट मारेंगे जल्दी पहुंचने के लिए, इधर से चलते हैं। इक्का दुक्का घर भी है इसी के अंदर, देख पा रहे होंगे इधर घर है, यहाँ देखें एक बछड़ा इधर खड़ा है, ये तो बछड़ा सीधा है, देखो ये भी बछड़ा वही है। अंग्रेज के ज़माने का है ये कुआं, नहीं दिखाएंगे नहीं तो मोबाइल से पहले गिर जाएगा, दिखता जाएगा आपको। फाइनली हम लोग केले केले जा रहे हैं। एक दो तो घर है इधर, देख पा रहे हैं पूरा केला ही केला है, इधर घर है तो वहाँ नहीं जाएंगे, इधर से मुड़ करके हम निकलते हैं बाहर, उसके बाद मिलते हैं। इधर ये दरी बिछा हुआ है हमारे चलने के लिए, और ये इस पर चलते हैं, देख पा रहे हैं करते हैं। जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि जंगल में ही आज का ब्लॉग शूट होगा और जंगल पे ही ख़त्म होगा, तो ये देख पा रहे होंगे जंगल, इधर भी है पूरा जंगल, और ये है आगे जंगल खत। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक इंस्टाग्राम पे अगर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर कर लें, ताकि और तरह की इस तरीके की गाँव की विलेज वाली ब्लॉग हम लोग शूट कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।